अगर आज हम लड़ते हुए मर भी गए तो लोग हमें हमारी बहादुरी और त्याग के लिए याद रखेंगे। ये शब्द थे युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ते देश के एक वीर सैनिक लांस नायक करम सिंह के। लेकिन ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जिन ब्रेव हार्ट्स ने कभी लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि अपकमिंग जनरेशन उन्हें और उनके इस ब्रेव एक्ट को याद रखेगी, आज वही जनरेशन उनकी कहानी तो दूर की बात है, शायद उनका नाम तक नहीं जानती। वेल, जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरिंग ब्रेव हार्ट्स, एन एफर्ट टू अवेयर पीपल अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर सोल्जर्स। आज की कहानी है लांस नायक एंड ऑनररी कैप्टन करम सिंह द्वारा युद्ध भूमि में दिखाई गई पराक्रम और शौर्य की। करम सिंह ने 1947-48 के इंडो पाक वॉर में अदम्य साहस और पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं टोटल 8 अटैक को न्यूट्रलाइज करने में अहम भूमिका निभाई थी। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू द वीडियो एंड विटनेस वन ऑफ द मोस्ट करेजियस एक्ट सोन इन द बैटलफील्ड। 13 अक्टूबर 1948, पाकिस्तानी सेना पहले ही इंडियन आर्मी के हाथों रिचमार गली और टिथवाल दोनों ही एरिया हार चुकी थी। हार से पूरी तरीके से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने ईद जैसे मौके पर हमले की तैयारी कर ली। वो हर हाल में रिचमार गली और टिथवाल जीतकर श्रीनगर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में खड़ी थी 1 सिख रेजिमेंट की अल्फा कंपनी, जिसके एक सेक्शन को कमांड कर रहे थे लांस नायक करम सिंह। लांस नायक करम सिंह का जन्म 15 सितंबर 1915 को हुआ था। करम सिंह शुरू से ही पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे एंड ही नेवर वेंट टू स्कूल ईदर, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन किया और बहुत जल्द वो अपने बटालियन में क्वार्टर मास्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किए गए। स्पोर्ट्स में अच्छे होने के साथ साथ वो अपनी कंपनी में एज अ ब्रेवेस्ट मैन के तौर पर जाने जाते थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़ते हुए उन्होंने 1944 में बर्मा वॉर में मेडल जीता एंड ही बिकेम अ हीरो ऑफ हिज कंपनी आफ्टर दैट। 13 अक्टूबर 1948 मॉर्निंग 6 AM, करम सिंह अल्फा कंपनी के साथ अपनी एक सेक्शन को लीड कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी ने सबसे पहले करम सिंह के सेक्शन पे अटैक कर दिया। ये पाकिस्तानी आर्मी की साइड से सबसे पहला अटैक था। करम सिंह और उनकी सेना ने इस अटैक का जोरदार जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई। इस क्लोज कॉम्बैट में करम सिंह के पैरों में इंजरी आई और उनका यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो गया। हार से पूरी तरीके से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने अल्फा कंपनी के आउटपोस्ट पर फिर से हमला कर दिया। इस बार उस आउटपोस्ट पर केवल 4 सिपाही तैनात थे, जिनमें से एक लांस नायक करम सिंह थे। पाकिस्तानी फौज इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज करम सिंह के आउटपोस्ट के नज़दीक आ गई। इस इंटेंस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी करम सिंह ने बहादुरी और चालाकी दोनों से काम लिया। उन्होंने अपनी ग्रेनेड की पिन निकाली और आगे बढ़ रहे दुश्मन की फौज की तरफ फेंका। फिर क्या था, एक के बाद एक ग्रेनेड के दुश्मनों पर बरसात होने लगी और वो लांस नायक करम सिंह के साहस के आगे निस्तनाबूत हो गए। सिर्फ 4 सैनिकों की टुकड़ी ने 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी को 2 बार हरा दिया था। पाकिस्तानी सैनिकों का मोराल तोड़कर रख दिया था करम सिंह और उनके साथियों ने। दोपहर करीब 1 बजे पाकिस्तानी फौज ने अपना 5वां अटैक लॉन्च कर दिया। करम सिंह जो कि हैवली इंजर्ड थे, लेकिन उनकी इंजरी उनकी इच्छा शक्ति के आगे हार मान गई। पाकिस्तानी फौजी के 2 सिपाही उनके बेहद करीब आ पहुंचे थे। जब तक कि 2 सिपाही कुछ समझ पाते, तब तक करम सिंह ने उन दोनों सिपाहियों को अपने बंदूक के बेयोनेट से मौत के घाट उतार दिया। इस ब्लडशेड को पाकिस्तानी सेना और झेल नहीं पाई और वो एक बार फिर भाग खड़ी हुई। फाइनली 1 सिख रेजिमेंट कश्मीर का रिचमार गली और टिथवाल रीजन वापस बचाने में कामयाब रहा और इसका पूरा क्रेडिट आज भी करम सिंह द्वारा दिखाई गई असीम वीरता और साहस को दिया जाता है। लांस नायक करम सिंह फॉट लाइक अ लायन एंड रिटर्न्ड अलाइव फ्रॉम बैटलफील्ड लाइक अ लायन आल्सो। उनके द्वारा दिखाई गई सूझबूझ, अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेटर ऑन ही वॉज कन्फर्ड विथ ऑनररी रैंक पोस्ट आल्सो। वो भारत के पहले ऐसे सैनिक थे जिन्हें परमवीर चक्र अपने चेस्ट पे पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साल 1969 में उन्होंने सेना से रिटायरमेंट ली और 1993 में
उनकी मृत्यु हो गई। With this note, let's end this video. We'll return soon with another great and brave stories. तो आइए साथ मिलकर अपने इन रियल हीरोज की इन ब्रेव स्टोरीज को जिंदा रखते हैं और उनकी इन कहानियों को और लोगों तक पहुंचा के उन्हें एक ट्रिब्यूट देते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जानेगा इंडिया तभी तो जागेगा इंडिया।